विधानसभा में आज प्रश्नकाल में विपक्ष ने हिंदू पाक स्थापितों, बिजली आपूर्ति और कोयला खरीद को लेकर सरकार को घेरा। विधायक रविंद्र सिंह भाटी के हिंदू पाक स्थापितों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सदन को बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में 373 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 290 लंबित हैं। वहीं बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा के बिजली और कोयला आपूर्ति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सदन में बयान दिया। आज पाक विस्थापितों का मामला सदन में रहा। पाक विस्थापित जो वो एक पराया देश छोड़ के अपने देश में आए और आज अपने देश के अंदर ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं, वो लोग जिनको अभी तक पिछले 10 सालों में नागरिकता नहीं मिल पाई, विशेषकर मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूंगा क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाक विस्थापित लोग हैं। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदारों से लेके आधे परिवार यहाँ रहते हैं। वो इस उम्मीद में अपने देश में आए थे कि साहब हमें नागरिकता मिलेगी, यहाँ पर हमारे अपने लोगों के बीच हम रहेंगे, पर ये हम सभी के लिए दुख का विषय है कि अभी तक उनमें से किसी को भी नागरिकता मिल नहीं पाई है। अभी तक बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले में पिछले 5 सालों में जितने आवेदक थे उनके 22% लोगों को ही नागरिकता मिल पाई है। हमने जो भी ये विरासत में जिस तरह के हमारे पावर प्लांट थे और उन पर कोयले की कमी थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, परंतु इनके बीच में भी समन्वय की कमी की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने उस समय हमें जो हमारी परसा ईस्ट कोल ब्लॉक की जो माइंस थी वो हमें हैंडओवर नहीं करके, और उसकी वजह से इस प्रदेश को नुकसान हुआ था। कोल ब्लॉक नहीं आने से, कोयला नहीं आने से हमारे कोयले के संयंत्र 50% से भी कम पीएलए पर चल रहे थे। जब हमारी सरकार बनी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के प्रयासों से जब उन्होंने आग्रह किया तो पीएकेबी के 19 हेक्टर की भूमि जो हमें साइड क्लियरेंस की अनुमति मिली और उसमें से 36 हेक्टर हमें ज़मीन मिली और उसके बाद में 30 हेक्टर जो जगह जमीन मिली उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दिया था कि ये आपने हमें जो ये ज़मीन दी जिससे हमारा उत्पादन भी शुरू हो गया और वहाँ कोयला हमें 9 रेक रोजाना मिल रहा है, इस बात का धन्यवाद दिया था। परंतु उसमें जो मांग की थी माननीय भजन लाल जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से कि हमें 2 ब्लॉक और दिए जाने हैं जिस पर अभी कुछ काम बाकी है, उन्हें भी हमें दिया जाए, लेकिन ये जो वहाँ स्पष्टता वो भी आया इस पर बयान भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का कि ये हमने जो पुराने ब्लॉक जो दिए थे उसकी बात नहीं थी, नए ब्लॉक देने के बारे में पूछा गया था जिसकी वजह से उन्होंने मना किया था कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, नए ब्लॉक अभी 2 और हमें दिए जाने हैं जिस पर निर्णय होना अभी बाकी है, जिसको हैंडओवर होना बाकी है।